इसराइल में एक बार फिर चौकीदार सरकार देखने को मिलेगी। जी हाँ, पीएम मोदी के बेहद करीबी और भारत के जिगरी दोस्त इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू इतिहास रचने की ओर बढ़ रहे हैं। वो पांचवी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। इसराइल में हुए संसदीय चुनाव में हालांकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नेतन्याहू अन्य राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार बना लेंगे। जीत के बाद 69 साल के नेतन्याहू ने समर्थकों से कहा, गठबंधन सरकार बनाने के लिए दक्षिणपंथी धड़े और धार्मिक पार्टियों से बातचीत शुरू हो गई है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दक्षिणपंथी सरकार होगी, लेकिन मेरा इरादा सभी इजरायली नागरिकों का प्रधानमंत्री बनने का है। इजरायली मीडिया के अनुसार नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके पारंपरिक सहयोगी दलों को 120 सदस्यीय संसद में 65 सीटें मिलती दिख रही हैं। सेंट्रल लेफ्ट दलों को 55 सीटों पर बढ़त है। लिकुड और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी बराबरी पर है, दोनों को 35-35 सीटें मिलती दिख रही हैं। चुनाव के अंतिम नतीजे आ जा सकते हैं, लेकिन अभी तक के नतीजों से जाहिर है कि नेतन्याहू अन्य राष्ट्रवादी पार्टियों के सहयोग से आसानी से सरकार बना लेंगे। चुनाव पूर्व हुए सभी सर्वे ने नेतन्याहू और पूर्व सेना अध्यक्ष और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता बेनी गेंट्स के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया था। ये भी अनुमान जताया गया कि नेतन्याहू की पार्टी चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकती है। ऐसे में नेतन्याहू अन्य दक्षिणपंथी दलों की मदद से गठबंधन सरकार बना सकते हैं। नेतन्याहू पांचवी बार प्रधानमंत्री बनकर इसराइल के 71 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये पहली बार 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद वो 2009 से इसराइल के प्रधानमंत्री हैं।